कृष्ण बिहारी लाल की जय। आज हम सुनेंगे शीतला सप्तमी अथवा शीतला अष्टमी की कथा, जो कि चैत्र मास में आती हैं। तो चलिए जल्दी से कथा सुन लेते हैं। एक औरत थी, वो बहुत भोली ढाली थी, समझती नहीं थी। तो जब शीतला सप्तमी आई तो उसने पड़ोसन से जाकर पूछा कि आज शीतला सप्तमी है और उसे क्या करना चाहिए। पड़ोसन बहुत शैतान थी, उसने उसके भोलेपन का फायदा उठाया और उससे कहा कि आज शीतला सप्तमी है तो तू ऐसा करना, आज गर्म दूध करके शीतला माता को गर्म दूध से स्नान करवा देना और फिर गर्म गर्म पकवान बनाना, माता जी को गर्म गर्म भोग लगाना और फिर गर्म गर्म दाल बाटे बना के खाना खा लेना। पड़ोस वो औरत तो बहुत भोली थी, उसने जैसा अपनी पड़ोसन ने कहा था वैसा ही घर जाके कर लिया। फिर शीतला माता जी उस औरत के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। उससे उसके हर साल बच्चे होते और हर साल ही उसके बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। ऐसे करते हुए प्रति वर्ष 6 बच्चे उसके इसी तरह से जन्मते और मरते रहे। सातवां लड़का जब मरा तब उसको विचार हुआ कि हर साल शीतला सातम पे ही मेरे बच्चे क्यों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं शीतला माता जी का मेरे ऊपर कोप है। वो औरत अपने सातवें मरे हुए बच्चे को लेके एक टोकरी में डाल के रवाना हो गई। वो दूर दूर तक जाती रही, जहाँ पर उसने एक खेजड़ी का पेड़ देखा उसके नीचे वो बैठ गई। वहाँ बैठकर वो बैठी ही थी कि वहाँ पे दो औरतें आ गई। उन औरतों के सिर में बहुत सी जुएं वगैरह थी। वो औरत वहाँ बैठ के उन दोनों औरतों के सिर से जुएं वगैरह निकालने लगी। जब जुएं उनके सिर से निकली तो उनका जो सिर था वो बहुत ठंडक को प्राप्त हुआ। जब उनको ठंडक प्राप्त हुई, वो माता जी ही थे, ओरी माता जी और शीतला माता जी। उस औरत को ये पता नहीं था कि ये माता जी ही हैं। माता जी का जब पेट शांति मिली, मस्तिष्क ठंडा हुआ तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि भाई तेरा भी पेट ठंडा हो। तो वो कहने लगी कि मेरे तो क्या पेट ठंडे हो, मैं तो 6-7 बच्चे मेरे मर गए हैं और ये मैं 7वां बच्चा है, इसको ले लेके मैं घूम रही हूँ। जैसे ही माताजी के सामने उस औरत ने ये कहा तो माताजी क्रोधित हो गई। माताजी ने कहा, अरे दुष्टनी, ये तू है क्या? तो उस औरत ने कहा कि माताजी मेरी जो भी गलती हुई हो मुझे बताइए, मुझे तो पता नहीं था, मुझे जैसा मेरी पड़ोसन ने कहा मैं वैसा ही करती रही, आप मुझे बताइए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो शीतला माताजी ने कहा कि तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, इस दिन तो सबको ठंडा खाना ही खाना चाहिए, पहले दिन ही ठंडा बना देना चाहिए, ठंडे खाने का ही भोग लगाना चाहिए और ठंडा ही खाना चाहिए। माताजी ने उसको कहा कि अब तू आगे से ऐसे करना ताकि तेरे जितने भी बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और वो सारे ही तेरे पास में आ जाएंगे। वो औरत तालाब पर गई और जैसा माताजी ने बताया था, तालाब पे जाकर वो अपने बच्चों को आवाज़ देने लगी, नाम ले लेके। उसने कहा खेतिया, उसने कहा मेतिया, उसने कहा पेतिया, उसने कहा कोड़िया, उसने कहा खपरिया, उसने कहा चौथिया, उसने कहा केसिया। और एक पड़ोसन का भी लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसे भी बुलाया। जैसे ही उसने आवाज दी, गांव के सारे उसके बच्चे और पड़ोसन का बच्चा भी दौड़ता हुआ जैसे कहीं से प्रकट हो गए और उसके पास आ गए। वो औरत बहुत खुश हुई और सारे गांव के अंदर खबर भेजी गई कि उस औरत को शीतला माता और ओरी माता के दर्शन हुए हैं और माता जी ने ये कहा है कि शीतला सप्तमी अथवा शीतला अष्टमी को ठंडा खाना खाना बहुत ही आवश्यक है, इससे शांति रहती है, गांव में शांति रहेगी, राज्य में शांति रहेगी, घर में शांति रहेगी और बच्चे खुशियों को प्राप्त करेंगे, घर में खुशियाँ छाई रहेगी। औरत
को लेने के लिए उसके बच्चों के साथ में गांव वाले सब लोग आए और उसके बच्चों को, उस औरत को खूब ढोलों के साथ में, गीतों के साथ में, बाजे बजाते हुए उसका स्वागत करके उसको घर लेके गए और गांव के अंदर शीतला माता और ओरी माता का मंदिर बनवाया गया। उसके बाद में सब लोग वहां पर चैत्र मास में सप्तमी को शीतला सप्तमी अथवा शीतला अष्टमी पर माता जी की पूजा करने लगे। माता जी ने उनको खूब आशीर्वाद दिया, हे माता, शीतला माता, ओरी माता, आपने जैसा आशीर्वाद उनके ऊपर रखा है वैसा ही हम सब भक्तजनों पर रखें। बोलिए शीतला माता और ओरी माता की जय।